आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही चटकारेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनिक और बिल्कुल नए तरीके के कुरकुरे करारे पकौड़े, जिसके आगे तो आप बाजार के स्नैक्स भी भूल जाएंगे। और खास बात यह है कि ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी करारे बने रहेंगे। इन्हें मैं बनाऊंगी खील से। ये खाने में जबरदस्त टेस्टी और बनाने में एकदम आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इन्हें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुरकुरे करारे इन पकौड़ों को बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है खील। ये दीपावली पर सभी के घर में आती हैं। मेरे घर में ये रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो सभी को भाए और इन खीलों का यूज भी हो जाए। तो मैंने बनाए एक ऐसे पकौड़े जो सभी ने खूब मन से खाए। इसके लिए यहाँ मैंने 3 कप खील को ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप सूजी। सूजी आप मोटी या बारीक वाली कोई भी ले सकते हैं। सूजी से हमारे स्नैक्स में बाइंडिंग आएगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। आप सूजी की जगह बेसन का यूज भी कर सकते हैं। अब इसी कप से 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश दही। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ ये मैंने लिया है 1/4 कप पानी। ये नॉर्मल पानी है। पानी को भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये स्नैक्स बनाने में बहुत ही सरल और आसान है। इसे आप जब कभी फटाफट घर में रखे सामान से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे खील और सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर फूलकर सेट हो गया है। अब मैं नाश्ते को और भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ कुछ सब्जियाँ। सब्जियों से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। सबसे पहले ये मैंने ली है 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसी के साथ ये 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और अब जो तीसरी चीज इसमें जाएगी वो है टमाटर। मैंने 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। आपको अगर कोई चीज ना पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ 2 बड़े चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज, इसे भी इसमें डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट की हुई अदरक। वेजिटेबल आप अपनी मनपसंद कोई भी इसमें डाल सकते हैं और इनकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को भी कर लेंगे बैटर में मिक्स। और बैटर हो गया है हमारा तैयार। देखिए इस तरह का बैटर हमें बनाना है, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे पकौड़े इजिली बन जाएं। बस इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। अगर आपका बैटर पतला है तो आप इसमें थोड़ी सूजी और डाल सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने लिया है ऑयल। हमें पकौड़े बनाने के लिए तेज गर्म ऑयल चाहिए। तो अब पहले थोड़े से बैटर को इसमें डालकर देखेंगे। ये देखिए अच्छे से सिक रहा है, यानी कि ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म है। तो अब हाथ में थोड़ा बैटर लेकर इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। साइज आप अपनी पसंद अनुसार थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। जितना पैन में स्पेस हो उतने ही पकौड़ों को बनाकर हम इसमें डालते जाएंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। पकौड़े डालते समय मैंने फ्लेम को हाई रखा था और फिर इसे मीडियम कर दिया है। अब इन्हें इसी तरह से तब तक सिकने देंगे जब तक कि इसमें हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आप इन्हें कच्चे में ही पलटेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। अब देखिए
पकौड़ों में हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम इन्हें पलट देंगे। आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही तलें। अगर आप इन्हें तेज आंच पर तलेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर तक नहीं सिकेंगे, फिर ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। अब इन्हें सभी तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारे पकौड़ों में गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से इसे निकाल लीजिए जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आवाज सुनी आपने, बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे पकौड़े बने हैं। अब इसी तरह से हम बचे हुए बैटर से भी पकौड़े बनाकर फ्राई कर लेंगे। आंच को थोड़ा सा तेज कर लेंगे क्योंकि पकौड़े डालने से ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो पकौड़े डालते समय फ्लेम को तेज कर लेंगे, बाद में हम इसे मीडियम कर देंगे। अब अलटते पलटते इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा ये बैच भी फ्राई हो गया है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही झटपट टेस्टी कुरकुरे करारे खील वेजिटेबल पकौड़े हैं बिल्कुल तैयार। लुकिंग से ही आप देख सकते हैं कि ये कितने कुरकुरे करारे बने हैं। काफी तरह के पकौड़े आपने खाए होंगे लेकिन मेरे कहने से इन पकौड़ों को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा खाकर। खुद खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए क्योंकि ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और देखिए अंदर तक अच्छे से सिके हैं। इन्हें मैंने सर्व किया है हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये नए और स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।